ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीजी कॉलेज बिलासपुर में प्राध्यापक के द्वारा छात्रा के साथ मोबाइल में अश्लील बातें वो युवनाचार के प्रति सहमत करने के दबाव बनाने के मामले में कड़ा तूल पकड़ लिया है और छात्र छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार भी किया है। छात्रों ने न्याय प्राप्ति के लिए जमकर नारेबाजी भी की। छात्राओं सहित प्रधानाचार्य रामकृष्ण ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। पीजी कॉलेज बिलासपुर में प्राध्यापक के द्वारा छात्रा के साथ मोबाइल पर अश्लील बातें कर उसे यौवनाचार के प्रति सहमत करने के लिए दबाव बनाने के मामले में कड़ा तूल पकड़ लिया है और छात्र छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर लिया है। वहीं छात्रों ने न्याय प्राप्ति के लिए जमकर नारेबाजी भी की। छात्राओं सहित प्रधानाचार्य रामकृष्ण ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही आरोपी प्राध्यापक पर नियमानुसार कार्यवाही के प्रति मामला उच्च अधिकारियों को अग्रिम निर्णय के प्रति प्रेषित करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों ने इस मामले को लेकर आरोपी प्राध्यापक को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। छात्र संगठनों ने प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि आरोपी के ऊपर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने उस लड़की को कॉल करी होगी और फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें करी होगी, मतलब अभद्र तरीके का व्यवहार किया उसके साथ। और फिर उस लड़की ने उसी टाइम वो कॉल रिकॉर्ड कर ली, मतलब बहुत टाइम से वो उनको तंग कर रहे होंगे। पर जब उसे सहन नहीं हुआ तो उसने डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब के पास आकर वो रिकॉर्डिंग सुना दी और फिर प्रिंसिपल साहब ने उसके खिलाफ कमेटी बिठाई। और यही हरकत 3 साल पहले वो बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुके हैं। जब यह हरकत की गई थी तब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मांग को उठाया था, पर एन मूवमेंट में वो लड़की मुकर गई अपनी मांग बात से कि नहीं नहीं चीज हो चुकी, पर ऐसा कुछ नहीं था। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर उस वक्त वो उल्टा केस लग गया, जो अभी तक वो लड़ रहे हैं। हमारे सीनियर्स हैं जो एबीवीपी तो इस बात में उसने उसकी चले। ये हमारे इसके कन्वीनर हैं हेमलता मैडम जी, उनके अध्यक्ष में। तो इसके बाद जो है, जैसे इसकी मेरे पास जो रिपोर्ट आती है ना, तो इस रिपोर्ट को सत्य करने के लिए और सत्य करने के लिए मुझे जो है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर की होगी कि जो ये वाक्य में ये रिपोर्ट दी गई है ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बाकी मैंने इनको और भी बोल दिया है कि ऐसा करो कि जो भी आपके पास फैक्ट आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, इसको अपने पेन ड्राइव में रख लो, क्योंकि अब जो है ना वो लड़की बेटी की जिम्मेवारी कम रह गई और हमारी ज़्यादा हो गई, क्योंकि फैक्ट हमें रखने ना, कल को हमारे से पूछा जाएगा कि बताओ आपने उनको ऑब्जर्व रखा जो थे फैक्ट।